हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोग अल्कोहल का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, तो हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के एग्जाम्पल कर रहे थे अल्कोहल के, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करो अपने भाई को, ठीक है। और आइए हम लोग फिर से एक लाइव एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं आपके सामने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो आइए इसको सबसे पहले भाई हमें पुराना काम करना है, कि लॉन्गेस्ट चेन छाटनी है इसमें, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन छाटनी है। और हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप अल्कोहल में होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, तो वो हमें पास में मिलना चाहिए, नियरेस्ट मतलब मिलना चाहिए। हम जहां से भी नंबरिंग शुरू करें वो हमें नियरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग नंबरिंग शुरू करते हैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन छाटने के लिए। तो ये लॉन्गेस्ट चेन छाटने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग इस कार्बन से शुरू करते हैं, 1 2 3, हमें प्राइमरी कार्बन से ही शुरू करना है, 1 2 3 4, ये तो बहुत छोटी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये इधर से 6 कार्बन की चेन मिल रही है। फिर यहां से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ही मिल रही है, इससे तो ज्यादा लंबी 6 कार्बन की मिल रही थी। एक यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बन है, यहां से भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहां से भी हमें 5 कार्बन की चेन मिल रही है। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही, इधर से भी 6 कार्बन है, इधर से भी 6 कार्बन। लेकिन अब हमें ये तय करना है दिमाग में, बात ध्यान में रखने हुए, कि फंक्शनल ग्रुप हमें नजदीक मिलना चाहिए, तो नजदीक हमें इसी कार्बन से मिल रहा है, तो हम लोग इसी कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमारी मिल गई, अब लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल चेन को हम लोग एक डिब्बे में भर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये प्रिंसिपल चेन है हमारी, ठीक है, इससे हमारी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये हो गया हमारे प्रिंसिपल चेन, ठीक है, ये हमने प्रिंसिपल चेन को छांट लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है, सब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसको। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्यों कहें हम इसको, क्योंकि ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसका तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, तो हमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट ही मिल रहा है, ये मिथाइल ग्रुप। और ये कार्बन कार्बन है, कार्बन की जो बाकी बची हुई वैलेंसीज है वो सब हाइड्रोजन से लगी हुई है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ कार्बन कार्बन ही नहीं है, इसमें जो भी वैलेंसी बची हुई, जैसे इसकी 3 वैलेंसी बची हुई थी, इसमें हाइड्रोजन 3 लगे हुए, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन की कमी, और मतलब एक वैलेंसी इसकी बची हुई थी, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हम लोगों ने इसीलिए कार्बन की चेन ली है, क्योंकि हमें कार्बन की चेन से ज्यादा ही मतलब होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल चेन छाट लिया है, उसके बाद फिर हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग शुरू करते हैं, यहां से हम लोग नंबरिंग शुरू करने वाले, क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की चेन हमें मिल गई। अब 6 कार्बन का जो एल्क होता है क्या होता है, 6 कार्बन का एल्क जो हमारा होता है वो हेक्स होता है, ठीक है, 6 कार्बन का एल्क जो होता है हमारा हेक्स होता है। उसके बाद फिर अब ऑल, चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, OH है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स इसका जो होता है ये ऑल होता है, ठीक है, जो हमें लास्ट में जोड़ना होता है प्रिंसिपल चेन के। और हमें 4 नंबर पे क्या मिला, 4 नंबर, 4th नंबर पे हमें मिला ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 4th नंबर पे हमें मिला मिथाइल ग्रुप। अब देखिए, 4 नंबर पर हमें मिथाइल ग्रुप मिल गया, अब आइए इसका आईपीसी नॉमिनेशन लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हमें प्रिंसिपल चेन मिली है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, पहले H आता है कि पहले M आता है, पहले M नहीं आता, पहले क्या आता है, H, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग अल्फाबेट का ऑर्डर में जाते हैं तो पहले H आता है फिर M आता है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेट का ऑर्डर ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ये तो हमारी प्रिंसिपल चेन है, इसमें थोड़ी ना H और A देखेंगे, अल्फाबेट का ऑर्डर इसमें नहीं देखते, जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा आते हैं तो उसमें अल्फाबेट का ऑर्डर देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट ही है, 4-मिथाइल, तो 4 पे हमें क्या मिला, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 4-मिथाइल हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या मिला, 6 कार्बन की चेन मिली, तो हमने हेक्स लिख दिया, हेक्स, क्योंकि ये सिंगल कार्बन है तो एन जोड़ेंगे, लेकिन इसमें यहाँ लास्ट में ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, ई क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में ऑल जोड़ना है, ठीक है, हेक्सेन। और 2 नंबर पे हमें ऑल मिल रहा है, जो सब ये जो फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहा है ये हमें 2 नंबर पे मिल रहा है, तो हेक्सेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4-मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन नहीं, हेक्सेनॉल 2, इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों करेक्ट है, आप कोई दोनों में से कोई भी आईपीसी नॉमिनेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।